किसी भी अर्क के साथ नहीं मिलाना है। गोमूत्र अर्क को तुलसी अर्क में मिला के पियेंगे क्या? बहुत लोग करते हैं, लेकिन हानि तो नहीं है लेकिन फायदा भी नहीं है। बेवकूफी बेवकूफी तो आप कह सकते हो, मैं नहीं कहूंगा। दोनों का केमिकल इंग्रेडिएंट्स को पहले चेक करो, तब समझ में आ जाएगा। तो गोमूत्र इटसेल्फ इज एनफ, बट तुलसी का काम क्या है और गोमूत्र अर्क का काम क्या है, इसको भी तो बढ़िया से समझना चाहिए। गोमूत्र का अर्क का तीन काम है। पहला काम गोमूत्र का, सबसे पहला रेचक पोषक, दूसरा काम है पोषक, ठीक है, यानी कचड़ा निकालेगा, पोषण देगा। तीसरा है शोषक, कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा मटेरियल बॉडी में है उसको सोख लेता है, ठीक है। और तुलसी अर्क का सबसे स्पेशल काम, पहला गुण क्या है, वो सीधा परिपालक मैनेजमेंट का काम करता है। तो गोमूत्र के साथ जब तुलसी अर्क को मैच मिस करा दिया और आप पीने के लिए चाहोगे, तो वो अर्क फिर कौन सा काम करेगा? जैसे आपको कहा गया कि नींबू का रस 1/4 एक गिलास पानी में निचोड़ के पीना है, आप बोलोगे 100 नींबू ला के निचोड़ो और सारा नींबू पी जाए, क्या होगा? आदमी वही कोलैप्स करके मर जाएगा, इतना सारा साइट्रिक नाइट्रिक एसिड बॉडी में जब जाएगा। तो नींबू नींबू के जगह में करो ना, ऐसे ही गोमूत्र अर्घ गोमूत्र जगह में रखो, तुलसी अर्घ जगह में रखो, दोनों के बीच में आधा घंटा का गैप दो, क्योंकि एक का काम सफाई करना, एक का काम मैनेजमेंट करना, एक का काम आपका स्ट्रेंथ बढ़ाना है, एक का काम आपका जो भी कचरा है मरमेंट मैटर है उसको निकाल देना है। तो दोनों को समझ जाओगे तो आपको अच्छा है, बढ़िया रिजल्ट निकलेगा। सर पहला कौन सा करें, तुलसी अर्क या नहीं, गोमूत्र? पहले गोमूत्र, पहले हाँ पहले गोमूत्र लेना चाहिए, बाद में तुलसी ले लिया तुलसी जाए। पत्ता एकादशी और द्वादशी में नहीं पकना? नहीं, यहाँ अर्क का बात चल रहा है, पत्ता का बात नहीं चल रहा है। एकादशी एकादशी द्वादशी तुलसी पत्ता नॉट यूटिलाइज है, उसको यूज नहीं करना है, ठीक है। रात को खाने के बाद क्या गोमूत्र किया जा सकता है? रात को खाने के बाद, हाँ लिया जा सकता है। आप कुछ भी कितना भी पार्टी खा लो, बहुत बड़ा बड़ा चीज एकदम जाके माचे डिमेर भजार झोल पाप कमाओ, ठीक है, तब काम नहीं देगा। माछ मछली जो खाएगा, माछ मछली अंडा, डॉक्टर मारेगा डंडा, माछ मछली अंडा खाने वाले इनको कोई काम का नहीं है, कुछ काम देगा लेकिन कोई काम का नहीं है। और मैं सबको मना करता हूँ माछ मछली अंडा मत खाओ। तो ऐसे अगर कोई गरिष्ठ खाद्य भी खा लिया है, बढ़िया एकदम लुची पूड़ी एकदम बंगाली वाला खाना खाया है और रात को बिस्तर में एकदम स्प्रे मार रहा है, डिओड्रेंट छोड़ रहा है, तो गौमूत्र ले लो। कितना देर बाद खाने के, कितना देर बाद दिया है? खाने का आधा घंटा 1 घंटे के, हाँ ले सकते, हो गया। सर ये जो हीमोग्लोबिन वटी हम बेच रहे हैं हाँ वही घनवटी है क्या? हाँ घनवट्टी सही बनता है, वही दोनों एक ही चीज है या अलग अलग चीज है? एक ही चीज है।